अच्छा आज देरी भी हो गई है, मगर चलो बजे हो जाओ। पढ़ेंगे, बीमार जब सख्त कोई होते हैं नहीं तो होपलेस हो जाते हैं। तो बाबा खुद कहते शिवबाम बच्चे तुम सब होपलेस हो, सब मरने वाले हो, मैं तुम सभी आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आया हुआ हूँ, तो बताओ जरूर होंगे नहीं ले जाएगा नहीं मच्छर सबके, तो खुद कहते हैं नहीं मैं तुम्हारा पंडा हूँ, रूहानी पंडा हम जीते हो अभी, ये तुम सभी आत्माओं को हम वापस ले जाने के लिए मच्छरों के वापस, क्योंकि ये सभी पत्र जो कहते हैं पत्र पावन दुनिया, तो पावन दुनिया में तो छोड़े होते हैं बाकी आत्माओं को तो वापस ले जाना ही, तो देखो पंडा इसलिए पांडव है, यादव कौरव पांडव है, तो तुम पंडे हो, वो जिस्मानी पंडे ब्रह्म है, तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मवंशी रूहानी पंडे, तुम सभी आत्माओं को वापस ले जाने वाले, ये मनुष्यों का काम नहीं है, ये बाप का काम है, सदगति देना मनुष्य का काम है और बाप का काम है, दुर्गति देना मनुष्य का काम है, जो गुरु लोग हैं ये सभी दुर्गति में डाल देते हैं, कोई भी सदगति नहीं दे सकते, देखो बाबा खुद कहते हैं ना मैंने कम से कम दर्जन गुरु किए होंगे कम से कम दर्जन, तो क्या वर्षन अंदर पे नहीं बन गए, अरे बाबा देखो पाउंड बनाते हैं एकदम, तथा तो हम तुमको भी ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा बाजा बजा बच्चे लेते हैं कोई कोई किताब लेते हैं, अच्छा कोई साकार गुरु के शिष्य है जो बैठ करके जो गुरु सिख रहे कह रहे नहीं हम निराकार बाप को जानते हैं, जो आकर के तो बाप कहते हैं ये भी ऐसे ही कहते हैं भाई हम निराकार को जानते हैं, निराकार कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो साकार पढ़ाते हैं और तुमको डुबाते हैं, मैं तुमको पावन कहता हूँ पावन दुनिया में ले जाता हूँ। हाँ बच्ची देख रही है कि प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी बहुत होती जाएंगी, ब्लैक तक भी होती जाएंगी, ये दुनिया में देखती है कि ये बात को स्वर्ग बना के ही छोड़ेंगी, कलप कलप जैसे बनाती है, तो बोलता है कि ये काम की चिंगारी नहीं लगाना जीवन में, कभी काला मुंह नहीं करना, फिर जबकि अभी तुम्हारा गोरा मुंह बनाते हैं नहीं ऐसे है नहीं, इस समय में सबका काला मुंह है, कि जो काम शिक्षा पर करते हैं नहीं उनको कहा जाते काल मुंह बंदर, तो बाप कहते हैं खबरदार रहना, जब एक दफा पितंगना करते हो कम पवत्र रहना तो मुंह काला नहीं करना, अगर मुंह काला करेंगे तो फिर पदभ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गोरा नहीं ऐसा अच्छा बन सकेंगे, मूल बात है ये समझे ना बच्चे, क्योंकि बाप कहते हैं ना काम महाशत्रु है, इसलिए इन पर पूरी जीत पैरनी है, शत्रु से लड़ाई है काम नहीं है बच्चे, बहुत फेल होते हैं, तो बाबा लिख देते हैं कुल कलंकित है, बाप से प्रतिज्ञा करके कि हम काला मुंह नहीं करेंगे, फिर तुमने काला मुंह कर दो, तो बाबा लिख देते हैं नहलाता है तुम्हारे ऊपर, जैसे लोग बाप होते हैं नहीं बाप बच्चों को नहला डालते हैं नहीं, पर लोग बाप ही नहला डालते हैं, मतलब तो तुमको शर्माना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कुल है उच्चते ऊंचा क्योंकि पवित्र और फिर ईश्वरी संतान, तो देखो बाप जिनके हाथ में राइट हैंड धर्मराज है वो तो सजा कर ही देंगे बहुत, तो मतलब एक तो सरी सजा कड़ी सजा भी खाएंगे और पदभ्रष्ट भी हो देंगे, इसलिए पवित्रता फर्स्ट प्यूरिटी फर्स्ट, नो प्यूरिटी नो मुक्तिवादियों की नो सुख, मूल बात है यहाँ पवित्रता के ऊपर, और उसमें ही सब बहुत फेल होते हैं घड़ी घड़ी गिरते हैं, तो इसलिए बच्चों को सावधान बाबा देते रहते हैं कि प्रतिज्ञा करके अगर तुम काला मुंह कर दिया तो फिर वो है नहीं गलत
उसमें तमध्वज और मूर्ध्वज की कहानी कि धर्मराज से काले से वो कटवाते हैं, ये ट्रिब्यूनल बैठती है, इसलिए खबरदार है ना, बाप से प्रतिज्ञा करना है पवित्रता की तो उन्हें मरना है, नहीं तो फिर मरे। अच्छा मीठे मीठे से के लेते बच्चों प्रत और लोग के माता पिता जिसे सुख घने रेखा वर्षा लेते हो, जिनकी श्रीमत पर चलना है, ऐसे बच्चे श्रीमत पर चलने वालों को याद कर गुड नाइट।